सारा ये देखे इतना अच्छा हो गया है। नुकसान तो फिर होता है, सफर में नुकसान जरूर होता है, कोई नहीं अल्लाह पाक। आप टेंशन क्यों ले रही हैं इसकी, ये ऐसा होता रहता है, इसमें भी कोई भलाई होगी। शक्ल एक अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं कैमरा साफ कर लूँ, बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है, माशाल्लाह मज़े में है, और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह और मज़े में है। तो आज का मेरा ट्वेंट व्लॉग है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अभी भी मैं ट्रक के ऊपर मौजूद हूँ क्योंकि हम पहुँच गए थे। सफ़र हमारा माशाल्लाह बिल्कुल यस रहा, बस यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है क्योंकि बीच बीच में ना वो है तारें, बिजली की तारें होने की वजह से ना फिर मसला पेश आता रहा। तो अभी माशाल्लाह पहुँच चुके हैं इधर, और सामान वगैरह अब उतारना स्टार्ट करेंगे, और इधर ये शिफ्ट हो रही है। तो दुआ करें कि इनकी शिफ्टिंग और इनका रिहाइश और इनका घर हमेशा आबाद रहे। और हाँ जी, कितनी देर है? बस उतार पे हैं, बस आप नीचे आ जाओ। कोई बोतल मंगवाई है क्या? मंगवाते हैं सामान उतारने के पहले या बाद में? तो गर्मी में आए हैं यार। आधा घंटा भी नहीं हुआ आपने बोतल। वीवर नहीं पिलाता, कोई बात नहीं। चलें जी वीवर, नीचे उतरते हैं और कुछ खाते पीते हैं, तो फिर सामान वगैरह भी उतारेंगे और बाकी भी माहौल देखेंगे। पेट अभी हल्का हो गया। उधर नाश्ता किया था, नाश्ता वो अंडा और प्याज, पता नहीं सारे किधर चले गए, सारे गायब हो गए, मैं अकेला इधर खड़ा हूँ। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकता है क्या, मेरे चैनल करें सब्सक्राइब, लाइक शेयर, उसके बाद हम चलेंगे मजेदार वीडियो की जाने। लेट्स गो। अल्लाह का शुक्र है व्यूअर, मेरा घास आ चुका है। ठीक है भाई, मुझे इजाज़त। यार इतने सफर किया हो आपके साथ, लोडिंग करवाई, ये घास आ गया बस छुट्टी। और मैंने इधर क्या करना, आपका काम हो गया। हाँ, मेरा काम आपको अच्छा लगे? माशाल्लाह मेरा काम हो गया, कुछ नहीं बोल सकता। आप कुछ नहीं बोल सकते, जैसे आप वो अच्छा। अफजल भाई को देख, वो लेके आ रहा है पानी, वो पीते हैं, पीने के बाद मैं ऊपर चढ़ूंगा, फिर कुर्बानी वाली ईद पे उतरूंगा। अल्लाह का शुक्र है तीन गनियां चली गई। बाकी यार नीचे से पकड़ो ना, नीचे से पकड़ो। हाँ ऐसे सर दो शाबाश। ए इधर सर, सीधा करो, सीधा नहीं उठाया यार, सीधा उठाओ ना। हाँ वो यार आगे वजन है, ये ऐसे उठाता है, मैं भी ऐसे उठाता हूँ। चलो ये सीधा चलना मेरी खुद्दी के ऊपर, चले हम शुरू करें। किधर है शायद, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, बुलाओ शुरू करें। वीवर शुरू करते हैं, कुछ सामान हमने उतारा है अभी, कुछ उतारने की कोशिश। वीवर कलहोट लोट हर चीज, ये देखे ये नीचे उतार ली है, अब इसको शायद भाई लेके जा रही है माशाल्लाह अंदर। तो ये वूहा लेक्स पड़ा है, बच्चे लोग इसको भी उठा रहे हैं, और तहर ऊपर है। चार पे यार किधर से दे रहे हो, इधर से नहीं आएगी यार, एक मिनट इधर करो, एक मिनट। अल्लाह का शुक्र है वीवर, सामान सारा उतार लिया है, आप मस्जिद को बाहर लेके जाना है। मैं सबको बोल रहा हूँ, ये खड़ा है वो पड़ा है सामान यार, ये अंदर रख के ना मजदा निकलवाओ बाहर, अल्लाह का नाम लो। मैं थक के ना बस जरा सा थका हूँ। और अभी इधर देखें वीवर, ये भी माशाल्लाह सामान फिलहाल बिखरा पड़ा है। ओए ये क्या हो गया, सारा ये देखें इतना अच्छा हो गया है। नुकसान तो फिर होता है, सफ़र में नुकसान ज़रूर होता है, कोई नहीं अल्लाह पाक न्यू देगा इंशाल्लाह। वीवर ये बस थोड़ा कबाड़ खाना बन चुका है ये देखे जी। और बाकी सामान देखे माशाल्लाह बिखरा पड़ा है। अभी सेटिंग मेटिंग करेंगे, फिलहाल हम गाड़ी बाहर निकलवा लें। शायद किधर गया, बाहर है, बाहर है। चलें जी शायद के पास चलते हैं, उससे बातचीत करते हैं। अल्लाह पाक के फजल करम से माशाल्लाह गाड़ी क्लियर, और तारे वगैरह हमने सारी क्लियर कर ली। अब इनको देते हैं इजाज़त और फिर चलते हैं हम भी वापस। और यार मैं तो कहता हूँ खाना खा लेते हैं,
मर्जी है आपके काम है ना। अच्छा और कोई खिदमत हमारे लायक चले जी अल्लाह हाफिज। कार्ड कार्ड होने वन्याड है और सारी जिम्मेवारी क्या नहीं वन्याड है। अल्लाह पाक के फजलो करम से माशाल्लाह जी मजदा चला गया है। तो इधर शहीद भाई अब सांस ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि होश नहीं रहा अभी, किसी काम का होश नहीं रहा। ये आप टेंशन क्यों ले रही हैं इसकी, ये ऐसा होता रहता है, इसमें भी कोई भलाई होगी। शक्ल देख शक्ल देख अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। यहाँ पर आता है वो इनको बनाता है, वो फिर बना लेगा, नहीं तो फिर ये जाएगी थोड़ी चौक पे, वो ना इसका ये सेट करके ये ढक्कन वगैरह सारा सेट कर देंगे बिल्कुल सीधा। इसकी टेंशन ना लो, ये नुकसान होते रहते हैं जब बिना सफर करते हैं नुकसान होते हैं। ठीक है यार मैं चलता हूँ घर। अच्छा अभी आप ये खुद देखेंगे ना किधर एडजस्टमेंट करनी है, बाकी हैं तो खाली और जहाँ भी आप एडजस्टमेंट करेंगे इसकी कर लेंगे। ठीक है मुझे इजाज़त। ओके 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 वीवर एक सैड न्यूज़ सुनाऊँ आपको, वो ये है कि इधर देखें ये पौधा नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन होने वाला है। बहरहाल देखेंगे कोशिश करेंगे कि इसका क्या है, बाकी माशाल्लाह बिल्कुल सेट है ओके है माशाल्लाह। वीवर नाइट से नज़ला और ज़ुकाम बहुत हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से जैसे हम वापस आए हैं तो मेरे सर में बहुत दर्द हो गया था, फिर ये जो आँख है ना इसका भी थोड़ा मसला बन गया था, इसमें दवाई वगैरह डाली है मैंने तो अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर लग रही है। तो अभी इधर चलते हैं अहमद भाई के यहाँ, देखते हैं इधर का माहौल क्या है। ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपके साथ भी शेयर करते हैं माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है जी पहुंच चुके हैं इधर और अबू जान बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या ठीक है ओ खैर सरदार दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ठीक हो माशाल्लाह। ये क्या माहौल बना दिया है आपने, जिम्मेदारा हुक्का वीवर अच्छा सही आता है धुआं विसम गया है नजर ला के ये इधर माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम लाला, ठीक है माशाल्लाह। मैंने भाई 100 रुपया अलग दिया, वो अलग मैंने मंगवाई है। घर दे दी क्या, घर आपके पहुंच गई है। अब जाएं घर में देखें उधर खड़े हो कि भाई। हाँ जाता हूँ यार, जाता हूँ। इधर देखें माशाल्लाह रोटी वगैरह पक रही है टाइम से। जी वो हाथ और पकती है भाई, हाथ में लगाना देखने को गरम है। आपको समझ आ रही है क्या हो रहा है, अगर समझ आ रही है तो जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में बताएं, अगर समझ नहीं आ रही है तो ना बताएं। भाभी ये मेरा उठाना है इसको, क्या है इसमें सब्जी है यार, देख तो लो अब क्या हो रहा है। आधा किलो है माशाल्लाह, इसलिए चिल्ला रहा था। वाह इधर तो मजे है जैन फिर वाला ओके है हा? ये उसको छोड़ो यार, आप बस ओके कर दो चलो सब। हाँ उठा के पाकर ले जाता है। असल में ना अम्मी जान वो थोड़ा अम्मी जान जीता है आप मजे है अभी बार, टेंशन लेने की जरा भी बात नहीं है, अभी आएंगे खाएंगे पिएंगे मौजें करेंगे। ठीक है जैन फिर ओके कर दो इधर, ओके कर दो ओके। काफ़ी देर बाद
अभी फिर थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो चुकी है माशाल्लाह। तो ये यहाँ से डंट के वगैरह सारे हमने उतार लिए, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह फिर इसके बारे में सोचेंगे कि हमने मज़ीद क्या करना है। अभी चलते हैं उधर और देखते हैं कि उनकी सेटिंग मेटिंग क्या है, ठीक है। जैसे ही तकरीबन उन्होंने अक्सर माहौल बना लिया होगा और जो कुछ बचेगा थोड़ा थोड़ा वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। उधर अफजल भाई के यहाँ भी माशाल्लाह मज़दा छातना फुल थी माशाल्लाह सवारियों से, और मेहमान भी आए हुए हैं तो मेहमानों से शायद मुलाकात कम हो हमारी, लेकिन इधर मुलाकात अच्छे से हो जाएगी। सही हो गया। मुझे लगता है कि इस रूम में शोर भी नहीं है, ज़रा सा शोर भी नहीं है। ओह नो, वैसे का वैसा पड़ा है सामान, कुछ सेटिंग मेटिंग थोड़ी थोड़ी की है, बाकी वैसे का वैसा पड़ा है। वो मुझे लगता है कि उधर खाना खा रहे हैं। चलिए देखते हैं फिर। अल्लाह का शुक्र है व्यूअर, माशाल्लाह इधर सबसे पहले सिस्टर आज बड़ी खुश लग रही है, क्योंकि हमारे घर में रौनक है, रहमत है, रहमत। हाँ रौनक है व्यूअर, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप ये देखें, बड़े वाला तंदूर लगा दिया है। पहले उधर आती थी ना तो थोड़ी हमारी भी हेल्प हो जाती थी, अब जैसे इधर लगाया हमारा ढक्कन आ गया। तो आपको मैं कहा है आप इधर आ जाओ, आपको मना तो नहीं कही। नहीं असल में हमारी होती है रोटियाँ थोड़ी, तो हम सोचते हैं फिर उधर ही पका लेते हैं, इधर देर हो जाती है ना इसी वजह से। आप बकार को भेज देना, मैं बना के दे देती हूं। ये अभी वो पक रही है माशाल्लाह। तो व्यूअर इसके बाद इधर माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये देखें वो क्या बोलते हैं इसे, क्या होता है वो जो देख के ऊपर बैठे हैं, तो क्या बोलते हैं, मेहतर मेहतर ये बैठा है माशाल्लाह। और इसके बाद इधर वाह जी वाह, रौनक रौनक। अब्दुल गफूर क्या खा रहे हो, हाँ? लड़ाई भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, लड़ाई नहीं करो यार। यहाँ सही खैरियत है, खुश हो? रोटी मैंने नहीं खानी है, सेंटर में हड्डियाँ पड़ी हैं। सेंटर में हड्डियां डाल रहे हैं ये ना, इतना हंसती है कि हो सकता है, मतलब अगर मैंने हंसाता जाए तो ये बेहोश भी हो जाती है हंसते। ये मैंने अभी आज नोट किया आते हुए ना मजदे पे, बहुत हंसती है। हाँ जी सबको खाना मिल गया, बस 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 बस, ज्यादा स्पीकर नहीं उठाना। माशाल्लाह जी ये रौनक हैं और ये माहौल है। ये बड़ा अब्दुल गफूर, छोटा अब्दुल गफूर वो बैठा है, उसका भाई वो जी वाह सरदार अब्दुल काले खान साहब भी आ चुके हैं माशाल्लाह। तो वो भी माशाल्लाह रौनकों में है। चलें जी माशाल्लाह आप खाना वाना खाएं और हम जो है ना, यार मेरा खाना बन रहा है, मैंने खानी है कोई ठंडे चीज बनाई है, वो नहीं होती घी तुरी, वो तो मजेदार होती है, वो बनाई है ताकि पानी पी पी के ना ये हाल बुरा हुआ पड़ा है। सुबह अंडे खाए थे ना उधर, प्याज और अंडे, हाँ। इसलिए हमने कम खाया था लस्सी के साथ। मैंने कॉल की थी इनको, बोला था मैंने कहा ठंडी चीज बनाना, फिर गए तो वही जो पहले पहले बोला था ना कि मैं प्याज और अंडे बनाऊंगा, वही बना दिया उसने। जल्दी जल्दी कोई भी सब्जी नहीं मिली, नहीं मिलती ना, चार पाँच किलोमीटर जाए बस्ती अलाबाश की, उधर से ले आए या अड्डा खालती पे सब्जी मिलेगी, ये छोटे दुकानों पर नहीं मिलती। चले माशाल्लाह कोई बात नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाना मिला और यहाँ सामान भी पहुँच गया है। आप इनकी मर्जी, इनका नुकसान तो थोड़ा हुआ है, थोड़ा नहीं हुआ है बहुत ज्यादा हुआ है ना, बहुत हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बोला था इसमें सामान रखो, जब सामान होता है ना तो वो सही रहता है। असल में इसके ऊपर चढ़ गया, चार पाई हमने जो रखी थी ना, हमने कहा नीचे जगह बनाई थी जहाँ आप बर्फीम जहाँ रखी थी, हाँ ऊपर जो चढ़ गया ना, सब लोग बच्चे लोग सारे उनको तोड़ दिया। चलो आप जब शिफ्टिंग होती है आपको याद है उधर क्या क्या गिराया था,
वॉशिंग मशीन ऐसे हमारा भी बड़ा नुकसान हुआ है, हम तो ऐसे होता है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये इसके लिए भी वो बोलते हैं इसमें भी कोई भलाई होगी। माशाल्लाह जी ओके हो गया, अभी शोर शुरू हो चुका है और इधर अभी तक रोटी पकाई जा रही है, इतना सारा आटा रखा है, सबने तो खा लिया फिर भी इतना नहीं आटा भाई, अभी 6-7 बंदे, अभी असद भाई, यकूब, मैं, रुखसाना और हाजरा और मेरी सिस्टर जो आई है उसकी छोटी बहन, हाँ। मेरी बड़ी सिस्टर की वो 5-7 बंदे रहते हैं और हाँ मेरे भाई गुलाम नबी की बेटी छोटी वो आई हुई है, वो वीडियो में नहीं आती, फिर जो है ना 8-7 बंदे को खा नहीं देते। चले सही, वो ना फुल हो गया, उधर से वाल ओपन है, फुल हो गया, इधर पूरे घर में पानी पानी, नहीं नहीं ये ठंडा हो रहा है, सही है ठंडा हो गया है, नहीं नहीं ठंडा हो गया, ओके हो गया, जबरदस्त हो गया है माशाल्लाह। व्यूअर मेरा बेटा बोल रहा है कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाओ, क्या खा रहे हो, ये क्या है, परोठो, जी वाह माशाल्लाह, किसने बना दिया, अम्मी ने, अच्छा मेरी बात सुनो, एक बात तो बताओ, बारिश कौन देता है, जोर से बताओ, बारिश कौन देता है, अल्लाह पाक, अच्छा रोटी कौन देता है, अच्छा हवा कौन देता है, जिंदगी कौन देता है, और मौत, खैर माशाल्लाह माशाल्लाह, इस बात पे ना यकीन रखना है, क्या रखना है, हाँ जिंदगी अल्लाह पाक देता है, बारिश अल्लाह पाक देता है, मौत अल्लाह पाक देता है, रिज़्क़ अल्लाह पाक देता है, इज्जत शोहरत जिल्लत सब कुछ अल्लाह पाक देता है, ठीक है, हाँ इधर ओके करो, ओके। आप क्या खा रहे हो, पराठा, किसने बना के दिया, मम्मी ने, अच्छा बारिश कौन देता है, अल्लाह, और कपड़े, और शूज, अल्लाह, अच्छा और जिंदगी, सीधा होके बैठो ना, ऐसे सीधे होके, माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर तो दिखो, कोई बात नहीं, नहीं मैंने कहा तो नहीं है कि आप ले आए, आप ऐसे ही ले आती हैं फिर, मैं तो ऐसे ही मजाक करता हूँ, कोई बात नहीं आप ले आई हैं तो बहुत शुक्रिया, आपका भी है मेरा भी है, चले हाँ जी, मैं किधर से खाऊं, इधर से खाऊं, मैं इधर से खाता हूँ, इधर से खाऊं, क्या वजह, इधर से खाऊं, वाह जी वाह, दिल बड़ा है माशाल्लाह मेरे बेटे का, चले जी माशाल्लाह, हम भी पराठा खाते हैं, अगर किसी ने हमारे साथ बैठ के पराठा खाना हो तो आ जाओ, हम बिस्मिल्लाह पढ़ चुके हैं तो बेस्ट ऑफ लक, ओके बाय बाय बाय, अम्मी जान को कुछ याद आ गया है, फिर आ रही है, व्यूअर अभी आपकी मुलाकात करवाता हूँ मैं अपने खरगोशों से, और ये माशाल्लाह बैठे हुए हैं और इधर मेरे हाथ में खाना भी है, तो अब इनसे पहले तो आप मुलाकात कर लें, उसके बाद फिर मैं इनको दूंगा खाना, आ जाओ भाई, आ जाओ 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 सारे आ जाओ भाई, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माशाल्लाह ये देखिए घोड़ा हो चुका है और सारे आ गए हैं, वो उधर पड़ी है, बाकी यार थोड़ा रास्ता तो दो यार, रास्ता तो सिद्दीक बना कर दो, ये देखो कंजेर के ऊपर चढ़ गए हैं सारे, इनको बोलो थोड़ा पीछे हो जाओ, हमने खाना डालना है, ये बोलो पीछे हो जाओ, अच्छा एक मिनट मैं बोलो, सारे गए रास्ता कले, ठीक है आ जाओ भाई, आ जाओ 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 आ जाओ, खाना आ गया है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाना आ गया है, सारे आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाना आ गया है, माशाल्लाह व्यूअर खाना जैसे ही रखा है तो सारे पहुंच चुके हैं सारे, सिद्दीक आराम से यार खाना डाला करो, सब अपने हैं, हाँ सब अपने हैं माशाल्लाह,
व्यूअर माशाल्लाह अब इनका माहौल ओके हो चुका है। तो सिद्दीक यार तंग नहीं करो इनको, खाने दो। अच्छा एक खुशी वाली बात बताऊं आपको, आज मैंने अपना खाना बड़ा अच्छे से खाया, मतलब रोटी। उसका रीज़न ये है, जब इनका घास स्टॉक पड़ा हो ना इतना सारा, तो फिर मुझे बिल्कुल मज़ा देता है खाना। क्या जो जानवर पाल के रखता है ना बंदा, अगर उनका खाना ना हो तो बंदे खुद को भी थोड़ी टेंशन रहती है। बाकी माशाल्लाह ये खुश हैं तो हम भी खुश हैं। नहीं करो सिद्दीक, डराओ नहीं। पानी भी हाथ में अवेलेबल होता है, अभी मैंने भगाया है ना तो थोड़ा ये नीचे गिर गया है, फिर मैं इनको न्यू रख दूंगा इंशाल्लाह। तो ये वाला माहौल आपको कैसा लगता है आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। यार नहीं करो सिद्दीक, भाग जाते हैं सारे।